हाँ, तो इकोलॉजिकल टर्म्स बेटा बताओ कौन कौन सी टर्म्स की थी हम लोगों ने। इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स देयर पॉपुलेशन। We discuss biotic factors, abiotic factors. What are they? Biotic factors are the living organisms, which microorganisms, and they abiotic include non-living organisms, for example, chemical gas, and okay. Then we discuss the organization level in the ecosystem as well, na? Starting from the producers and all that. What are these terms which we have discussed in the class? Yes, Safa, your turn. Alina can take a breath now. This we discussed about consumers, producers. Producers are plants who produce something, and we discussed about carnivores, omnivores, and herbivores. Herbivores are those who intake whose diet is basically plants, and carnivores have meat in their diet, and omnivores have both meat and plants in their diet. We discussed biotic and abiotic. Biotic is a living thing, and abiotic is non-living thing organisms. Further, we also discussed about the definition of ecology and ecosystem and food web. Food web is when, for example, the food chain, starting with the food chain, then goes to the food web. Okay, food chain is basically like if a bird eats an ant and the ant eats a plant, and then a carnivore, for example, lion eats that bird. So this is food chain, and then we eat cows and cows eat plants. So this is another food chain. Try to start your food chain from the producer. It will help you in creating a food chain. Okay? आप जो है वो टॉप यू आर गोइंग मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड देन यू आर गोइंग टू द बॉटम। आई नीड यू टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड देन गो अप। ओके, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्रिएटिंग अ फूड चेन, एंड देन लॉट्स ऑफ फूड चेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द फूड वेब। इट मींस दैट लॉट्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड इन द फूड वेब। ओके स्टेला, वुड यू लाइक टू ऑन योर वीडियो? वी वॉन्ट टू सी योर ब्यूटिफुल फेस। अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटा, कुछ तो सूरज की रोशनी डाल लो अपने ऊपर। ओके स्टेला, आई हैव डिस्कस्ड सम एनर्जी लॉस अलोंग अ फूड चेन, डू यू रिमेम्बर दैट? Sorry, I can't hear you clearly. But I was not present in the last class. You were not present in the last class. Yes. Okay, so we have discussed some energy loss along a food chain. I said that whenever a plant is photosynthesizing, so what happened? It traps the sunlight. You know the basic source of energy in the environment is sun. एनवायरमेंट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो मतलब बेसिक हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी कौन सी चीज है जो हमें एनवायरमेंट में दे रही है, वो द ओनली सोर्स इज द सन। तो द सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट। तो होता क्या है, जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेसाइज करने के बाद दे ट्रैप ऑल द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल दे प्रोड्यूस लाइक ग्लूकोज। तो दिस एनर्जी इज अवेलेबल टू द एनिमल्स हु जनरली फीड ऑन देम।
ठीक है, अब क्या है कि वो उस प्लांट को खाते तो है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा प्लांट नहीं खा जाते हैं वो लोग, लीव्स खा जाते हैं, स्टेम छोड़ देते हैं, रूट छोड़ देते हैं, फ्लावर्स छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है कि जब वो प्लांट को छोड़ देते हैं बाकी पार्ट्स को, तो क्या होता है कि वो एनर्जी जो होती है वो रह जाती है, वो रह जाती है, जिसको हम आम अल्फाजों में कहें तो दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। अगर मैं उसको टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर बयान करूं, द एनर्जी दैट इज प्रिजर्व्ड इन द प्लांट इज ओनली अ फ्यू पार्ट इज ईटन बाय द एनिमल्स हु फीड ऑन इट, रेस्ट ऑफ द प्लांट मटीरियल इज लेफ्ट टू बी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। ऐसे ही होता है ना, और फिर वो जो बच जाता है उसपे क्या होता है कि जो डीकम्पोजर्स है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाए फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी जो पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, वो डीकम्पोजर्स हैं। और डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है, डीकम्पोज करना, बेसिकली दे आर डीकम्पोजर्स। और इनका जो एक नाम है वो क्या है, सेप्रोफाइट्स, मैंने शायद आप लोगों को बताया था पेपर में भी, दोबारा बताई थी बात के सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सेप्रोफाइट्स आर बेसिकली द डीकम्पोजर्स हु लिव्ड ऑन डेड मटीरियल दैट इज प्लांट एंड एनिमल, and they decompose complex organic material into simple inorganic material. Organic material कौन से हो गए, example दे रही हूँ जैसे कि glucose, और glucose को convert करके वो किस में कर देते हैं, carbon dioxide, carbon dioxide, water, उसकी form में release कर देते हैं, कौन, decomposers. अच्छा, तो अब क्या है, हम बात कर रहे थे energy loss की, कि food chain के अंदर energy loss होती है। तो अब फिर क्या होता है कि फिर उस एनिमल को दूसरा कोई कंज्यूमर खाता है, फिर यानी कि जो कार्निवोर खा रहा है, फिर टॉप कार्निवोर उस कार्निवोर को खा रहा है, तो क्या होता है कि जब वो खा भी रहा होता है उस दूसरे एनिमल को, तो तब भी वो पूरा नहीं खा जाता, उसकी कुछ बॉडी पार्ट्स को वो भी छोड़ देता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 10% ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म एंड 90% energy is lost to the environment. तो जब भी हम कोई भी food energy level वगैरह को हम लोग बनाने लगते हैं, जैसे भी हम आगे और पढ़ेंगे pyramids of energy बनाने लगते हैं, तो हम उसमें हमेशा अपनी assumption यही रखते हैं कि 90% of energy is lost to the environment while the 10% of energy is utilized by the organism. ठीक है, यानी 90% is lost and इन द एनवायरमेंट, और ये क्या होता है कि वो जो कंज्यूमर जो डीकम्पोजर्स हैं वो उसे कन्वर्ट करके दोबारा से इकोसिस्टम का या एनवायरमेंट का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अब मैं आपको एक यहाँ पर एक जो है एनर्जी फ्लो दिखाती हूँ, उसको देखिए कि किस तरह से ये देखिए, ये एक एनर्जी लॉस मैं आप लोगों को दिखा रही हूं यहां पर, देखें यहां पर कि अब प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, दे हैव टेकन द एनर्जी फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फिर सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और जो उसका बाकी पार्ट था जो जिसके अंदर एनर्जी सेव थी, कुछ पार्ट तो उसका हर्बीवोर ने खा के खत्म कर दिया और कुछ उसकी डेथ हुई तो डीकम्पोजिशन पे चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर में क्या हुआ, एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन, और फिर उस हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया, कुछ एनर्जी वहां चली गई और जो बाकी एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, एक्सक्रीशन या डिफिकेशन के थ्रू, और फिर उसकी डेथ के थ्रू कहाँ शामिल हो गई, सॉइल का हिस्सा बनी जहाँ पे डीकम्पोजर्स ने अपना काम दिखाया। अगेन कार्निवोर्स को हम देखेंगे तो कार्निवोर्स में भी क्या हुआ, एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट थ्रू रेस्पिरेशन, एंड देन सम इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट थ्रू एक्सक्रीशन एंड डिफिकेशन, एंड द एनर्जी द अदर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स में भी यही हुआ, एनर्जी लॉस्ट हुई रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन एंड डिफिकेशन में, और फिर जब उसकी डेथ हुई तो वो फिर दोबारा एनवायरमेंट का हिस्सा बनी, कैसे, डीकम्पोजर्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ डीकम्पोजर्स भी एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, कैसे लॉस्ट हो रहा है, दे ऑल्सो रिस्पायर, और वो भी डेथ, जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो डेथ का फिनोमिना वहां भी मौजूद है। ठीक है,
सो इस तरह से एनर्जी लॉस्ट होती गई. तो फिर इसीलिए हम ये बात अज्यूम करते हैं कि जितनी लॉन्गर द फूड चेन द लेस एनर्जी इज अवेलेबल टू द कार्निवोर एट द एंड ऑफ द फूड चेन. यानी कि जितनी लंबी फूड चेन होगी तो एंड एट द एंड जो भी टॉप कार्निवोर मौजूद होगा, टॉप एनिमल मौजूद होगा, उसके पास लेस एनर्जी पहुंचेगी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी शॉर्ट फूड चेन्स होती हैं वो उतनी ही मच मोर एनर्जी एफिशिएंट होती हैं देन टू द लॉन्गर वंस. ठीक है, इसीलिए इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है ये कितनी एनर्जी अवेलेबल है. तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि इससे बेहतर कि अगर एक फूड चेन के अंदर अगर मैं मिसाल दूं हम ह्यूमंस की कि हम अगर प्रोड्यूसर्स को पहले हम प्रोड्यूसर्स उगाते हैं यानी कि प्लांट्स उगाते हैं और फिर उन प्लांट्स के ऊपर कैटल्स को पालते हैं, कैटल्स उन प्लांट्स को खाते हैं और फिर उन कैटल्स को हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें उससे लेस एनर्जी मिलती है बनिस्बत इसके कि हम डायरेक्टली वही प्लांट्स खुद खा लें. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर्स में मौजूद हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी इस फूड चेन के अंदर और कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी कि इफ वी ईट डायरेक्टली द प्रोड्यूसर्स. सो इट इज एडवाइज्ड टू ईट डायरेक्टली द प्रोड्यूसर्स. इट मींस दैट मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमंस इफ दे यूटिलाइज द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द कैटल्स. ठीक है, उससे क्या होगा कि एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो उसको सेव कर सकेंगे. आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं O3 की क्लास ले रही हूँ. अच्छे स्टूडेंट की, अच्छे अभी O2 की ले रही हूँ, अभी O2 की ले रही हूँ. ठीक है जी. हाँ बेटा, अब कुछ पूछना है इसके अंदर? स्टेला आपका आपकी वीडियो फिर बंद हो गई. अब मैं लेक्चर देना शुरू करती हूँ, बार बार मैं आपको डांटती तो नहीं होंगी ना बेटा? ऑन करो, ऑन करो. कोई सवाल है यहाँ पे? नो मिस. अच्छा फिर इसके बाद, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं पायरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी. अब एनर्जी की बात तो आप लोग के समझ में आ गई ना, जो एनर्जी मैंने पूरी आपको फ्लो समझाया. एनर्जी का फ्लो क्या है कि एनर्जी का फ्लो ये है कि हर स्टेप पे हम अज्यूम करते हैं कि 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. हाँ जी, 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. अगर ये मैं आप लोगों को आपकी बुक के अंदर दिखाऊं, ये देखिए, ये है आपका पायरामिड ऑफ एनर्जी कि प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर्स की एनर्जी पे 90% लॉस्ट हुई, यानी कि 10,000 किलो जूल्स थी, 90% लॉस्ट हुई तो कितनी रह गई, 1,000 किलो जूल्स. फिर उसमें 90% लॉस हुई तो 100 किलो जूल्स, और फिर उसमें 100 में से 90% लॉस हो गई तो कितनी बच गई, सबसे आसान 10 किलो जूल्स. ऐसी बात, 90 माइनस करोगे 100 में से 10 ही बचेगा ना. ठीक है, ये हो गया आपका पायरामिड ऑफ एनर्जी. अच्छा फिर पायरामिड ऑफ नंबर की बात अगर हम करते हैं तो पायरामिड ऑफ नंबर में क्या है, पायरामिड ऑफ नंबर के अंदर ये बात है कि अब अगर अब हमारे पास रैबिट्स हैं तो अब जितने रैबिट्स हैं अब उनको खिलाने के लिए हमारे पास उतने ही प्लांट्स होने चाहिए कि वो उन रैबिट्स को फीड कर सके रैबिट्स उनके ऊपर, और फिर वो प्लांट्स हमारे पास इतने भी बचने चाहिए ताकि वो दोबारा रिप्रोड्यूस होकर जो उनकी क्वांटिटी है, जो उनकी पॉपुलेशन एक तो एग्जिस्ट कर सके, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, और वो दोबारा से रेडिली अवेलेबल हों कि वो जो है दोबारा से उतनी ही मकदार दोबारा पैदा कर सके. तो इट मीन्स दैट वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स
टू फीड ऑन डिफरेंट एनिमल्स. अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक फूड चेन को रख के बात कर रही हूँ, ठीक है. फिर उन रैबिट्स को खाने के लिए, उन रैबिट्स के ऊपर स्नेक्स उनको खा रहे हैं, फिर उन स्नेक्स को हॉक्स खा रही हैं. अब मैं अगर आपको और समझाने के लिए, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. अब अगर मैं यहाँ पर इसको फूड चेन को मैं थोड़ा सा रिवर्स में आपको बताऊं, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेके जाऊं, तो सपोज दैट वी हैव 10 हॉक्स. किसी भी हैबिटेट की बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट की बात कर रही हूँ. वी हैव 10 हॉक्स और ईच हॉक्स नीड्स टू फीड ऑन वन स्नेक एवरी डे. इन वन मंथ द 10 हॉक्स विल बी नीडिंग 300 स्नेक्स टू कीप देम अलाइव. If each snake eats on one rabbit each, or which can last them for 2 days, it means that 300 snakes will need 4,500 of rabbits in 1 month. A rabbit feeds voraciously and 20 or it needs 20 or more grass plants per day. It means that in 1 month, it's almost in millions grass plant to keep the rabbits alive. ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि एनर्जी लेवल के साथ साथ हमें नंबर्स की भी बात आ गई कि कितने नंबर्स हमें चाहिए. तो मैंने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल देके आपको एक इनकी एक सिंपल फूड चेन जिसके अंदर हॉक था, स्नेक था, रैबिट था और प्रोड्यूसर था, उसके हवाले से मैंने एनर्जी लेवल प्लस उनके नंबर्स को भी बेस बनाकर मैंने आपको बता दिया कि कैसे पायरामिड हाँ, जो है एक पायरामिड ऑफ नंबर बन सकता है, ठीक है. फिर इसी तरह से बनता है पायरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास एक्चुअली कहते हैं ड्राइड मास को, यानी कि अगर आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर 90% वाटर है और 10% दूसरे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है. तो इस सूरत में क्या होता है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो सिर्फ 10% ही हमारे पास मास बचता है. 90% तो मास हमारा खत्म हो गया क्योंकि वो सारा वाटर का मास है. 10% मास होने की वजह से क्या होता है कि अब जो है अब ड्राई मास, बायोमास यानी कि ड्राई मास की जब हम बात करते हैं तो ड्राई मास में बहुत ही कम चीजें रह जाती हैं और फिर उसमें ही उसके अंदर ही जो है फिर हम ये बात करते हैं कि भाई कितना ड्राई मास के अंदर जो था मौजूद था हमारे पास पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट वगैरह जो भी है वो हमारे पास मौजूद था और उससे हमने फूड चेन क्रिएट कर ली. अच्छा, पायरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर जैसे मैंने भी आप लोगों को एनर्जी अवेलेबल की बात भी कर ली, फिर इसमें एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ हो रही होती है. रिस्पिरेशन में लॉस हो रही होती है, अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल के अंदर यानी कि डिफिकेशन में लॉस हो रही होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि यूरिनेशन वगैरह हो रही होती है उसके अंदर लॉस हो रही होती है. और अज्यूम क्या करते हैं हम, 90% of the energy is lost. ठीक है. अच्छा, पायरामिड ऑफ नंबर के अंदर एक और बात भी आती है. पायरामिड ऑफ नंबर के अंदर एक और बात भी ये होती है कि जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी ग्रास की, तो अब हमारे पास एक और भी एग्जाम्पल पायरामिड ऑफ नंबर में, ये ट्री की एग्जाम्पल. इसमें क्या होता है कि अब आप देखें कि एक ट्री जो है वो अच्छी खासी उसके अंदर जो है एनर्जी मौजूद होती है. तो एक ट्री जो है वो हैबिटेट होता है कैटरपिलर्स का, जो कि उसके फर्स्ट कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है. ट्री हो गया प्रोड्यूसर और उसका फर्स्ट कंज्यूमर हो गया कैटरपिलर्स. तो बहुत सारे कैटरपिलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है. फिर उन कैटरपिलर्स को खाने के लिए जो है, अच्छा, इस पे एफिड्स भी हो सकते हैं. जैसे अभी यहाँ मैं आपको फूड चेन में बता रही हूँ कि इसके अंदर एफिड्स मौजूद हैं और फिर इन एफिड्स को जो है जब और इनके साथ जो है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स मौजूद हैं, ठीक है. और जब मैं यहाँ कैटरपिलर्स की बात कर रही हूँ तो कैटरपिलर्स अगर एक ट्री के ऊपर बहुत सारे मौजूद हैं तो इसके अंदर जो है उन कैटरपिलर्स को खाने वाली बहुत सारी बर्ड्स मौजूद हैं और फिर उन बर्ड्स के साथ ही अगर जो वो मरती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी फ्लीज मौजूद हैं. तो क्या है ये पायरामिड्स ऑफ नंबर ऐसा है जिसके अंदर टॉप हैवी है और उसका बॉटम जो है ना वो स्मॉल है, या ये कहने कि वो लेस है अगर हम पायरामिड उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है.